हेलो एंड वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पाइटल एंड सिंगर का क्वेश्चन नंबर 104, और मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूं क्वेश्चन। अ हॉलो स्टील ट्यूब विथ एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 100 mm मस्ट कैरी अ टेंसाइल लोड ऑफ 400 kN। Determine the outside diameter of the tube if the stress is limited to 120 MN/m². आपका स्टील ट्यूब है कोई, मान लो ये आपका स्टील ट्यूब है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, तो ये इसका जिसका कि आपका दे रखा है कि इनसाइड डायमीटर दे रखा है 100 mm। ओके, तो ये रहा आपका डी इनसाइड, ये दे रखा है 100 mm। ओके, और जो है इसका आउटसाइड डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है, ये रहा आपका डी आउटसाइड। और उसके लिए कंडीशन दे रखा है कि ये इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए, यहाँ पे जैसा कि आपको दिया गया है कि इस पे जो लोड लग रहा है, हाँ, इस पे ये है आपका 400 kN का, 400 kN का लोड आपको लग रहा है इस पे, ठीक है, 400 kN। ओके, तो डिटरमाइन द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द ट्यूब इफ द स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 120 MN/m². तो आपको पता है कि जो स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है बॉडी पे, और स्ट्रेस जो होता क्या है, वो होता है जो फोर्स पर यूनिट एरिया, जो इंटरनल फोर्स इस पे जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। अच्छा, जो ये दे रखा है लोड कितना इस पे लग रहा है, 400 kN, ठीक है, 400 kN दे रखा है, 400 kN। किलो न्यूटन को आप 10³ कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, ठीक है, एरिया आप लिख सकते हो, ये एरिया चाहिए आपको, ये वाला एरिया, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, पाई डी आउट, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखो, ए आउटसाइड स्क्वायर, एरिया आउटसाइड माइनस एरिया इनसाइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400 × 10³ डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा पाई डी आउटसाइड स्क्वायर माइनस डी इनसाइड स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब जो सिग्मा जो दे रखा है आपका, सिग्मा दे रखा है 120 MN/m², तो देखो यहां पर क्या है ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका, ये हो गया, ये 4 को ऊपर ले जाओ, 4 × 400 × 10³ डिवाइडेड पाई डी आउटसाइड जो आपको कैलकुलेट करना है, माइनस डी इनसाइड का वैल्यू आपको दे रखा है, डी इनसाइड, हाँ, जो आपको यहाँ देखो इनसाइड डायमीटर ऑफ 100 mm, तो mm में ही आप लेके चलो, है ना। तो एक काम करते हैं, जो सिग्मा दे रखा है ना, सिग्मा यहाँ देखो, सिग्मा 120 MN/m²,
तो देखो मेगा, अगर इसको आप देखना चाहो 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक काम करें ना, इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ले लो, ताकि आप यहाँ पर जो हम लोग जो डायमीटर जो क्वेश्चन में दे रखा है इनसाइड डायमीटर 100 mm, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा आउटसाइड डायमीटर वो भी एमएम में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो यहाँ स्ट्रेस दे रखा है इसको भी तुम एमएम में ले लो। तो एमएम में लेंगे तो क्या होगा, देखो 120 मेगा, मेगा को तोड़ दो तो 120 × 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को अगर एमएम स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 1 मीटर में 1000 mm स्क्वायर, मतलब 10^3, मतलब 10^6 नीचे भी आ जाएगा, 10^6 डिवाइड बाई 10^6, मतलब वो कट जाएगा। बाकी फाइनली 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हैं 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो उसको जो मैं बोल रहा हूँ, ये दे रखा है 120 मेगा, मेगा को आप लिख सकते हो 10^6 न्यूटन, ठीक है जी। ये एमएम है, एमएम है, एमएम को मतलब मीटर है, मीटर को अगर एमएम में आपका ये कन्वर्ट करोगे तो 1000, यही तो करना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर यही तो होगा, ये स्क्वायर यही यही होगा 1000, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा 120 × 10^6 डिवाइडेड बाय, ये हुआ 10^6 और ये हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर, सॉरी एमएम ना, एमएम स्क्वायर, एमएम स्क्वायर यही हो गया। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्या हो गया ये 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसको आप याद भी रखना, आगे कभी कभी आपको डायरेक्टली यूज करने का काम आएगा। इस तरीके से मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको डायरेक्टली आप लिख, देखो यहाँ 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते थे 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आप याद रखोगे तो अच्छा ही रहेगा, कि मान लो बाद में आप कहीं कहीं पे जो बड़े न्यूमेरिकल्स में आप यूज कर सकते हो, कि मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डायरेक्टली आप लिख सकते हो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे जब आप, आपके लिए ये होगा बड़े न्यूमेरिकल्स में। तो ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ सिंपली 120, ठीक है ओके। अब ये डायरेक्टली आप निकाल दो इसका जो डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे निकालोगे, डी आउटसाइड आपको निकालना है, तो एक काम करो इसको पूरा इधर ले आओ, ये तो ये हो जाएगा 4 × 400 × 10^3 डिवाइडेड बाय 120, इधर ले जाओ 120 × π, ठीक है, और डी स्क्वायर और माइनस आ जाएगा इधर, आके प्लस हो जाएगा 10^2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को आप इधर ले लो ये, ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो आप ये करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका 119.3 mm, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जो डायमीटर, जो आउटसाइड डायमीटर आपका निकल गया 119.3 mm, जो आपका इनसाइड डायमीटर जो दे रखा था, इनसाइड डायमीटर था आपका 100 mm, है ना, इसका 100 mm का इनसाइड डायमीटर था, आउटसाइड डायमीटर आपने कैलकुलेट किया 119.3 mm, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो जो ट्यूब है इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप होगा 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीखने वाला ये चीज़ था कि बाद में अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि डायरेक्टली आप मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको अगर आप एमएम में लिखना चाहते हैं डायरेक्टली, तो उसको आप सिंपली मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डायरेक्टली आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।